आज का प्रश्न हमें भेजा है सुदर्शन पांडे जी ने कानपुर से। तो सुदर्शन लिखते हैं कि गुरुदेव, मैंने आपका कल का एक वीडियो सुना था जिसमें आपने कहा कि माता पिता को बच्चों से ये नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा है। तो गुरुदेव, माता पिता को क्या ये कहना चाहिए कि भगवान नहीं है? कि माँ बाप बच्चों से झूठ बोलते हैं कि परमात्मा है और बाद में बच्चों की श्रद्धा खंडित हो जाती है माँ बाप के प्रति, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि माँ बाप को कुछ पता नहीं है। यह समझाने की कृपा करें कि आप कैसे क्या कह रहे हो और माँ बाप को अपने बच्चों से क्या कहना चाहिए। तो सुदर्शन जी, मैंने ये नहीं कहा कि माँ बाप को बच्चों से कहना चाहिए कि ईश्वर नहीं है, और ना मैं ये कहता कि माँ बाप ये कहें कि ईश्वर है, क्योंकि आपको स्वयं इसका कोई बोध नहीं, कोई अनुभव नहीं। आपने भी जिससे सुना था कि ईश्वर है, आपने तभी मान लिया कि ईश्वर है। नास्तिक होता है वह मानता है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि अनुभव उसे भी नहीं है। वह भी सोचता है कि ईश्वर नहीं है, किसी ने उसे भी बताया होगा। तो माँ बाप पर बच्चों की श्रद्धा खंडित हो ही जाती है, क्योंकि देर सवेर बच्चे ये जान ही लेते हैं कि आपको परमात्मा के संबंध में कुछ भी पता नहीं था और आपने उन्हें भी भ्रम में डाल दिया। तो अब आपने पूछा है कि माँ बाप को बच्चों से ईश्वर के संबंध में क्या कहना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। तो पांडे जी, माता पिता को बच्चों को एक ही बात बोलनी चाहिए कि देख बेटा, ईश्वर को मैंने पाया नहीं है, देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है, मेरा स्वयं का कोई अनुभव नहीं। मैं भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं खोज रहा हूँ कि मुझे ईश्वर मिल जाए। तू भी खोज, तू भी ईश्वर को खोज, तलाश कर। अगर तुझे पहले मिल जाए तो तू मुझे बता देना, और मुझे पहले मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यह एक ठोस बात है जिससे कि आपके बच्चे का आपके ऊपर से श्रद्धा खंडित न होगी, न ही आपको झूठा बनना पड़ेगा। यह सत्य ही है कि आपने अभी तक ईश्वर को नहीं जाना, आप तो सुनी सुनाई बातों को लेकर ही पड़ गए हो, उन्हीं पर अटक गए हो। ईश्वर को तलाश करने के लिए आप दोनों को कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, न तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत, न आपकी संतान को। ईश्वर आपके ही भीतर बैठा है, सिर्फ ज़रूरत है उसे पाने की, क्योंकि वो पाया ही हुआ है। तलाश उसकी की जाती है, खोज उसकी होती है जिसे खो दिया हो या जो कभी न मिला हो। वह तो आपके साथ हमेशा से ही है, आप सांस ले रहे हो इसीलिए ले रहे हो क्योंकि ईश्वर आपके अंदर बैठा है। ये सांस भी ईश्वर ही ले रहा है। आप आँखों से देखते हो लेकिन आपको पता नहीं जो आपके भीतर बैठा है, जो ऊर्जा है, परम ऊर्जा है, जो चैतन्य है, जो साक्षी है, वह ही सब चीज़ें देख रहा है। क्योंकि आप तो समझते हो कि आप सुदर्शन पांडे हो, ये आपका शरीर है, ये आपके कपड़े हैं, ये आपका पद है, लेकिन ये आप हो नहीं, यह संसार एक माया है। लेकिन जो आपके भीतर बैठा है परम चैतन्य, जो आत्मा है, वह शाश्वत है। आप उसको खोज लो, आप स्वयं को खोज लो, आप ये जान लो कि मैं कौन हूँ, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा कौन है। क्योंकि आपकी ही आत्मा की परम दशा को परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा, परम मैंने सर्वोच्च, आत्मा मैंने आत्मा, चैतन्य साक्षी, जो कुछ आप उसे कहना चाहो, ऊर्जा कहना चाहो। तो आपकी जो निम्न दशा है, निम्न सतर है, उसको बोला जाता है आत्मा। और जो अपनी आत्मा को परम चैतन्य के शिखर पर पहुंचा देता है ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, जो भी वो माध्यम चुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आत्मा परम अपनी उपलब्धि प्राप्त कर लेती है, वह परमात्मा हो जाती है। आपने देखा होगा गुरु नानक, कबीर, मीराबाई, बुद्ध, महावीर, ये लोग भी मनुष्य के शरीर में ही इन्होंने जन्म लिया, लेकिन इन्होंने
सबसे पहला ये पाया कि यह देह जो मेरी, यह मेरी नहीं, ना ही मैं देह हूँ। मैं जो हूँ वो कभी मिटता नहीं, क्योंकि देह तो एक दिन साथ छोड़ जाती है, ये तो जल जाती है, राख हो जाती है, लेकिन जो मैं हूँ मैं शाश्वत हूँ, मैं कभी नहीं मरता। श्री कृष्ण ने गीता में इसीलिए कहा है कि आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई शस्त्र भेज सकता है, न अग्नि ही जला सकती है। तो ऐसा ही समस्त महापुरुषों ने कहा है। उन लोगों ने अपनी आत्मा के परम शिखर को छुआ और आज वो परमात्मा कहलाते हैं। राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, बुद्ध को भगवान कहते हैं, महावीर को भगवान कहते हैं, गुरु नानक के मानने वाले उन्हें भगवान मानते हैं, कबीर हुए, रहदास हुए, दादू हुए, कितने मैं नाम गिनाऊं। तो इन सब लोगों ने उस परम शिखर को छुआ है जिसे आत्मा कहते हैं, वह परमात्मा हो गए। बस भेद इतना सी है। जब तक आप इस देह को अपना समझते हो, इस मन को अपना समझते हो, इस बुद्धि को अपना समझते हो, तब तक आपके अंदर से अहंकार जो मैं भाव है वह ख़त्म नहीं होता। और जिसका मैं ख़त्म हो जाता है, उसका अहंकार ख़त्म हो जाता है, फिर एक पल की भी देरी नहीं, फिर वो खुद परमात्मा है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम काली।